ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मक्खियां कैसे नजर आ जाए, मजा आ गया भाई, मक्खियां नजर आ जाए, कोई भी आए अंदर क्यों घुसेगा, नहीं घुसेगा अंदर, आप उस पर कंट्रोल करो। क्योंकि रघु जी ठीक कहा, हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि भाई हम समझ रहे हैं इन्फेक्शन फैल जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है तो चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, जी जान से जुटना है। हमने साफ कहा है कि हमारी चाहे जान चली जाए लेकिन बच्चों की जान हमारी जान से ज्यादा कीमती है। और ये आप मानकर चलिए, पूरी सरकार, उस सरकार की नीयत में कोई शक कैसे कर सकता है, जो सरकार पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जिस सरकार का मुख्यमंत्री, जिस सरकार का हेल्थ मिनिस्टर, जिस सरकार का पूरा परिवार फ्री दवा योजना लेकर आता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले राजस्थान में फ्री दवा योजना आई, हर चीज की फ्री दवा है। अब तो हार्ट, किडनी, जी कैंसर, सारी दवाइयां फ्री कर दी, ये इनके आने के बाद हुई। और फ्री दवाइयों का भी सिस्टम है कि आप जाके खरीदने से सबको हर दवाई उपलब्ध हो रही है, जांच फ्री, सब सिस्टम फ्री। मां आती है डिलीवरी के लिए तो जाती है तो सरकार की बेटी के रूप में कुछ न कुछ अपन उसको देकर विदा करते हैं। यही है जनरल हॉस्पिटल में, सब में बच्चों का इलाज फ्री, सब कुछ फ्री के बीच में डेथ हुई है और डेथ को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तो वो सवालों का जवाब तो देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तय कर लेना, एक भी आदमी इस मामले में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे दे, टाइम पर आपकी अधिकारियों की, डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो सूचना दे, यदि काम नहीं हो रहा है मिनिस्टर को सूचना दे, खुला है कलेक्टर को सूचना दे, कलेक्टर ऊपर सूचना देंगे, नीचे व्यवस्था करना, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे इक्विपमेंट की जरूरत है, चाहे कोई इक्विपमेंट खराब है वो ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। इक्विपमेंट कैसे खराब हो गए, कोटा में पैसा पड़ा है हॉस्पिटल में, सरकार की जिम्मेदारी तब होती है जब पैसा नहीं हो, 6 करोड़ रुपए पड़े और फिर इक्विपमेंट खराब हो गए, तो ऐसे में तो अस्पताल के अधिकारी जिम्मेदार है और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। इक्विपमेंट खराब कैसे हुए, और यदि खराब हुए तो उनको ठीक क्यों नहीं कराया, ठीक नहीं करा, नए खरीदते, पैसे हैं। आप मेडिकल मिनिस्टर को कहते या चीफ मिनिस्टर तक जाती सूचना, और जरूरत ही नहीं थी, आप अधिकारी कलेक्टर को कहते। अब प्रभारी मंत्री होने के नाते जब भी मैं आऊंगा हॉस्पिटल में आऊंगा, आप कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग करेंगे, रोज मॉनिटरिंग करेंगे, आप अधीक्षक करेंगे, आप रोज क्यों घूमेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं, आप आते हैं रोज, कई बार होता है बड़े प्रोफेसर हैं 2 घंटे घूमे चल दिए, नहीं आप 5 घंटे लगाइए, आपको शाम को मरीज घर पे देखने, मरीज देखना बंद कीजिए भले से, लेकिन एक बार आप हॉस्पिटल को चाक चौबंद कीजिए, और चाक चौबंद करके और कोई कमी है, आप सरकार हो, मेडिकल मिनिस्टर खुद कह रहे मुझे बताओ क्या चाहिए, सब तैयारी, पूरा खुला दरवाजा है सरकार का, जो सरकार दवाइयां फ्री कर दे, जांच फ्री कर दे। और जिसने नारा दिया निरोगी राजस्थान का, नारा है निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान का मतलब मेडिकल को लेकर अब तो राइट टू हेल्थ आ रहा है, राजस्थान पहली सरकार में राइट टू हेल्थ का अधिकार देने जा रहे हैं, और पूरे सब जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिया आपने, 15 जगह मेडिकल कॉलेज खुल गए, राजस्थान वैसा स्टेट है जब 15 जगह मेडिकल कॉलेज खुल गए। अब हमारी जिम्मेदारी है, मानता हूं कोई सवाल खड़े करता है आपसे, वो जवाब देने के लिए एक आदमी हो जो बाहर की बात जवाब दे, सारी भीड़ अंदर नहीं घुसे हॉस्पिटल में, हम खुद डरते हैं जहां आईसीयू है वहां पे जाने में कहीं इन्फेक्शन नहीं फैल जाए। अब हमारा काम जबरदस्त होना चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में कोटा का जेके लॉन अस्पताल आइडियल बनेगा, और आइडियल बनने के साथ साथ एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन कोई भी लापरवाही के लिए आपस में अधिकारियों में, डॉक्टर्स में कॉम्पिटिशन हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाराजगी का मतलब अस्पताल सफर नहीं करेगा। और सरकार आपसी कॉम्पिटिशन को, आपसी राइवली को सरकार स्वीकार नहीं करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, मजबूर होकर करेंगे, हमें फर्स्ट रिजल्ट चाहिए। मैं जानता हूं आपके आज आप दबाव में, बार बार प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर सब दबाव में आए, दबाव में आने के लिए हमें रिजल्ट आना है। और मैं आपको भरोसा देता हूं पूरी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे डॉक्टर रघु शर्मा हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई हो कांग्रेस सरकार परिवार का व्यक्ति, और मैं तो आज कह रहा हूं विपक्ष के लोग, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कॉज है पूरे स्टेट का, पूरे देश का, बच्चे तो देश का भविष्य है, इसमें कोई ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये जश्न मनाने की जगह नहीं है। आज कोई अपोजिशन पार्टी ये सोचती है कि बच्चों की डेथ होगी तो हम जश्न मनाएं, शाम को पार्टियां करें, फिर सुबह जाके नारे लगाएं,
कैसे बच्चों की डेथ को रोका जा सकता है, और वो काम आपने इन दो तीन दिन में, पांच दिन में आपने काफी रिजल्ट ठीक हुए आपके, वो रिजल्ट आपके ठीक हुए, मुझे भरोसा है ये रिजल्ट बिल्कुल डेथ रेशियो बंद हो जाए, डेथ हुई नहीं बच्चों की, मुझे पता है बीमार होते हैं लोग आते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, बच्चों का डेथ रेशियो बढ़ा है, अभी मेरी बात हुई रघु जी से, थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया, लेकिन इस बीच में क्या कारण थे ये जांच सरकार भी कर रही है, किसी भी कीमत पर कारणों का पता चले, किस कारण से हुई, उसमें लापरवाही कही है तो लापरवाही दूर हो। अब आप, मुझे भरोसा है आप सब, आज हम दोनों आए, हेल्थ मिनिस्टर खुद आए, इसके मतलब होते हैं, मुझे भरोसा है आप सब इन बच्चों की मौत को हमें सीरियस लेकर जबरदस्त काम करना है, और वो काम लोगों में रिजल्ट के रूप में नजर आना चाहिए। ये बात आई कि डॉक्टर्स इतने बेड पर, इतने डॉक्टर है, इस देश की जो आबादी है उसके बीच में जो डॉक्टर्स की अभी संख्या है उसी लेवल पर आप पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हो, और जहां आपको जरूरत हो आप अपने लेवल पर डिसीजन लेने के लिए खुले हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने आपको कह दिया, अब आप डिसीजन लीजिए, रिजल्ट आने चाहिए, और मुझे भरोसा है 100% आप रिजल्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।